बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमारे पास ये टैक्टिकल बेल्ट है और दौरान ऑपरेशन या हम अपने यूनिफॉर्म में पहनते हैं, इसके अंदर सिंपल जो है हम अपने यूनिफॉर्म के अंदर उसको लगाते हैं और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो है ऐड कर लेते हैं, जिसमें होस्टर होता है, लेदर मैन वगैरह हो गया, हैंड कफ हो गई, यूनिवर्सल किट हो गई, इस टाइप की चीज़ें जो हम इसमें लगाते हैं। अच्छा, इशू जो आएगा हमें इसके अंदर और आ सकता है वो क्या है कि अगर दौरान ऑपरेशन या हम किसी को रेस्क्यू करना पड़े तो उस सूरत में ये बेल्ट जो है ये ज़्यादा सिक्योर नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक का इसका जो लॉक है ये टूट सकता है। ठीक है जी, अब इसके लिए हम यह एक एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं। ये हमारे पास है हार्नेस, जो हम लोग जो है रिपेलिंग वगैरह के लिए हार्नेस हम जो है पहनते हैं। ठीक है जी, ये कार्बिनर है जो लगाया जाता है और इस बेल्ट में हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये बासानी टूट गया है। अब एक्सपेरिमेंट ये करेंगे कि हम इन दोनों को अटैच करेंगे आपस में, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है ये करते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो है ऑपरेशन थिएटर सीजर, ये हमारे जो है ये नॉर्मल जो होता है कि कार्बिनर मुख्तलिफ किस्म के जो इसमें लगाए जाते हैं, लेकिन हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है तो हम इसे काट देंगे। ठीक है जी, ये तो हमने कटिंग कर दी क्योंकि इसमें किस्म के जो है कार्बिनर या फिगर एट वगैरह या रेस्क्यू एट वगैरह लगाए जाते हैं। इसके बाद हमने जो है बेल्ट को इसको लगा कर दी। ठीक है जी, इसको हम जो है ओपन कर देंगे। देखो ठीक है जी, इसका काम तो हो गया, फिर हम आगे चलते हैं। ओके अच्छा जी, इसके जो हम लोग टेक्टिकल हमारा जो बेल्ट है इसके अंदर जो ऑलरेडी जो प्लास्टिक का बेल्ट था ये हमने इसको निकाल दिया। ठीक है जी, हम अब आगे चलेंगे। अच्छा जी, ये हमारा टेक्टिकल बेल्ट है जो हम अपने यूनिफॉर्म में पहन सकते हैं और इसमें जो है जो जिसमें मैंने पहले भी कहा था कि इसमें हैंडकफ वगैरह, होस्टर वगैरह और किट्स वगैरह, डिफरेंट चीज़ें जो है टोनी किट वगैरह और दूसरी चीज़ें हम इसमें कैरी कर सकते हैं। अच्छा, ये अब जो है हमने टेक्टिकल बेल्ट को जो है हार्नेस बेल्ट के साथ ही अटैच कर दिया। ठीक है जी, ये भी आपका जो है शोल्डर थाइस के लिए जो सपोर्टिंग भी है, चाहे तो हम इसको निकाल भी सकते हैं, चाहे तो ये लगा भी ले तो कोई इशू नहीं। अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि इस पे जाके कार्बिनर के साथ के इस बेल्ट में अगर कहीं से आपको उतरना पड़ जाता है बिल्डिंग टू बिल्डिंग या रिपेयरिंग करनी पड़ जाती है तो फिर क्या सूरत हाल होगी, तो ये बेल्ट आपका वजन उठा सकता है उठा सकता है, इसका हम लोग लाइव एक्सपेरिमेंट करते हैं। Play. अच्छा, ये जो हमारा जो टेक्टिकल बेल्ट था ये हमारा जो है हमने उसको हार्नेस के साथ जो है कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, अब ये है कि आप रेस्क्यू की पोजीशन में भी अगर रेस्क्यू किसी को करते हैं तो उस सूरत के अंदर या जो हमारी ऑपरेशन टीमें होती हैं वो अपना जो है इस बेल्ट में आपका ये फ़ायदा हो जाता है कि आप अपने जो है सामान जिस तरह होस्टर हो गया, लेदर मैन हो गया, मैगजीन पोचेज हो गए, आपका टोनी किट वगैरह हो गई, ये तमाम चीज़ें आपकी जो है बेल्ट में आप इसको कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर रेस्क्यू जा रहे हैं तो वो अपने जो है उस हिसाब से जो सामान है वो इसके साथ कैरी कर सकते हैं, और ये आपका हार्नेस भी हो गया और आपका टेक्टिकल जो है बेल्ट भी हो गया। तो बाकी रह गए जो हमने एक्चुअली जो बिल्डिंग टू बिल्डिंग या क्रैविस करने के लिए जो बनाया था, हमने इसको कनेक्ट किया था, इसका हम देख लेते हैं। ठीक है जी, ये आपका अगर कहीं पे आप जाते हैं किसी जगह पे और आपको रेस्क्यू करना पड़ता है या कहीं आप जो है किसी पोजीशन पे अगर आपको लटकना पड़ जाता है तो ये देखें आप सिंपल जो है आपका ये देखिए ये बेल्ट जो है आपका सिंपल आप। ठीक है, अगर किसी को आपने कैरी भी करना है तो वो भी हो जाएगा, अदरवाइज जो है आपका ये आपका बेल्ट जो है, लेकिन अगर इसी बेल्ट में वो प्लास्टिक का हुक जो लगा हुआ था उस सूरत के अंदर क्या होता है कि वो टूट जाता, तो हमने जिसमें अल्ट्रेशन की है इस ऑल्ट्रेशन का मकसद ये था कि आप जो है बेहतरीन तरीके से इसको जो है ऑपरेट कर सकते हैं।
ठीक है। यस गुड लक।